बहुत बहुत स्वागत। आप देखना शुरू कर चुके हैं एमपी अब तक। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। और इस वक्त की सबसे बड़ी हलचल मचाने वाली खबर पंडोखर सरकार का न्यूज 18 पर सबसे बड़ा दावा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आने वाली है कांग्रेस। भूपेश बघेल फिर बन सकते हैं मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, बड़ा दावा पंडोखर सरकार, बड़ा नाम है उनका। और पर्चे निकालने के तौर पर आप उन्हें जानते हैं, पर्चे वो लोगों के निकालते हैं, भविष्य वो लोगों का बताते हैं। जीतू पटवारी के लिए दावा किया था 40,000 वोटों से जीतू पटवारी जीतेंगे, इसको लेकर भी हमने सवाल किया और भी तमाम तरह के सवाल। लेकिन इस वक्त मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सियासत का सबसे बड़ा बयान इसे समझ लीजिए। पंडोखर सरकार ने न्यूज 18 पर सबसे बड़ा दावा किया है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आएगी कांग्रेस की सरकार। भूपेश बघेल फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार की बात पंडोखर सरकार ने की है। बड़ा बयान पंडोखर सरकार का, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। सवाल यह भी पूछा गया कि क्या मध्य प्रदेश में फिर स्थितियां हो सकती है 2018 की तरह। इस सवाल का साफ जवाब पंडोखर सरकार से नहीं मिला। पर्चे निकालने के मामले में आप पंडोखर सरकार को जानते हैं, याद कीजिए इमरती देवी गई थी, इमरती देवी ने पूछा हमको किसने हरवाया, कहा नाम नहीं बताऊंगा। वही पंडोखर सरकार न्यूज 18 पर जुड़े, दावा किया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है। भूपेश बघेल फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, हालांकि कल लगातार 5 बजे हम आपको एग्जिट पोल भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पंडोखर सरकार का न्यूज 18 पर यह बड़ा दावा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आएगी कांग्रेस की सरकार। पंडोखर सरकार का बड़ा बयान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासी गर्मी को बढ़ाने वाला। समय समय पर पंडोखर सरकार अपने बयानों को लेकर, अपने पर्चों को लेकर राजनीतिक रसूख रखने वाली हस्तियों पर बयान देकर चर्चाओं में रहते हैं। अब वही पंडोखर सरकार कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ रही है। भूपेश बघेल फिर मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार की वापसी के आसार पर्चे से इशारा मिला है, यह दावा कर रहे हैं पंडोखर सरकार। जीतू पटवारी के समर्थक ने एक बार पूछा था क्या होगा, कहा 40,000 से जीतेंगे जीतू पटवारी। कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं, राव से मैदान में रहते हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, इमरती देवी वो पहुंची थी 2020 का बाई इलेक्शन हारने के बाद। पूछा महाराज किसने किया, कहा अपनी ही पार्टी के किसी ने किया है, नाम नहीं लिया। और अब वही पंडोखर सरकार बड़ा बयान दे रहे हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार। हालांकि 30 नवंबर यानी कल शाम 5 बजे तमाम जो 5 राज्य हैं वहां की वोटिंग खत्म हो जानी है और फिर सबसे बड़े नेटवर्क पर सबसे सटीक एग्जिट पोल, जो एग्जिट टू एग्जिट एक जैसा होता है, वो हम आपको बताएंगे। तो क्या कुछ पंडोखर सरकार ने कहा है वो भी हम आपको अभी सुनवाने वाले हैं, कुछ देर में आपको सुनवाएंगे। कुछ देर पहले बड़ा दावा उन्होंने न्यूज 18 पर किया है। कुछ मिनट पहले पंडोखर सरकार ने कहा है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आएगी, यानी छत्तीसगढ़ में वापसी करेगी और मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के संकेत। हालांकि दोनों ही जगह, दोनों राज्यों को लेकर यह कहा जा रहा है कट टू कट, नेक टू नेक फाइट है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एज ज्यादा मिली हुई है लेकिन सीटों का नुकसान हो रहा है, ये अलग अलग राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लिहाज से, मध्य प्रदेश के लिहाज से नेक टू नेक फाइट, राजनीतिक पंडित परेशान। इन सब के बीच ये भी ध्यान रखिए, ओम माथुर छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, बड़ा ट्वीट उन्होंने किया है कि तमाम राजनीतिक पंडित खामोश हो जाएंगे।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, दावा उन्होंने किया। ओम माथुर, उनकी प्रबंधन क्षमता, प्रबंधन कौशल, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। संगठन कौशल, इनकार नहीं किया जा सकता। इसी वजह से उनके दावे से, दावे को खारिज भी नहीं किया जा सकता। तो बेहद दिलचस्प हो चले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनाव, और अब इसमें एंट्री हो गई है पंडोखर महाराज की। न्यूज 18 पर पंडोखर सरकार ने किया है बड़ा दावा। पंडोखर सरकार का पूरे सरकार बनाने के लिए आगे है जी, जो जी। मैं देख पा रहा हूं, और 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 99% और 101% कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आगे है। प्रथम निमंत्रण का योग सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के पक्ष में जाते दिख रहा है। कुंडली के आधार पर मैंने बताया, उसमें शिवराज सिंह चौहान जी का पल्ला भारी है। मध्य प्रदेश में भाजपा की ओर से शिवराज जी का मुख्यमंत्री चेहरे में स्थान मजबूत है, और कमलनाथ जी का दूसरे नंबर पर है। लेकिन जब पार्टी के विषय में देख रहे हैं तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, ऐसा 99, 101% जो मैं समझ पा रहा हूं, और जो मेरा अनुभव है उसमें कांग्रेस सरकार ही सरकार बनाने की दिशा में आगे है। इन्होंने गद्दी संभाली, त्रिकालदर्शी शब्द इनके लिए कहा जाता है, चुटकियों में किसी भी शख्स का भूत, वर्तमान और भविष्य ये बताते हैं। ऐसे पंडोखर सरकार ये दावा कर रहे हैं, ये बड़ा बयान दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, हालांकि कुंडली के हिसाब से तो क्या कुछ उन्होंने दावा किया वो भी हम आगे आपको बताएंगे। इधर कल शिवराज कैबिनेट की बैठक होनी है, कहा यह जा रहा है कि मौजूदा जो सीएस हैं, चीफ सेक्रेटरी प्रशासनिक मुखिया इकबाल सिंह बैस, उन्हें विदाई दी जा सकती है, साथ ही नए सीएस के नाम का ऐलान किया जा सकता है। कांग्रेस इस बैठक पर सवाल खड़े कर रही है। तीन दिसंबर को एमपी में विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, और इससे पहले शिवराज कैबिनेट की कल अहम बैठक होगी। इस बैठक में सभी मंत्रियों के अलावा सीनियर अधिकारियों को भी बुलाया गया है। माना यह जा रहा है कि मौजूदा सीएस इकबाल सिंह बैस को विदाई दी जाएगी और नए सीएस के नाम का ऐलान किया जाएगा। इकबाल सिंह बैस 30 नवम्बर को रिटायर्ड हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि वीरा राणा को सीएस की जिम्मेदारी मिल सकती है, वो 1988 बैच की है। हालांकि संजय बंदोपाध्याय, अजय तिर्की के नाम भी दौड़ में शामिल है। उधर शिवराज कैबिनेट की अंतिम बैठक को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने अधिकारियों पर दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। उनको ये पता लग गया है, समझ में आ गई कि ये जितने भी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों ने इनके पक्ष में मतदान नहीं किया है, ये हेराफेरी करने के चक्कर में, दबाव डालने के उसमें है। लेकिन कुछ होगा नहीं, इस समय जनता से लेके, कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेके जो अधिकारी हैं, जो समझ गए हैं कि सरकार जाने वाली है, वो भी सजग हैं। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। विश्वास सारंग ने कांग्रेस के बयान को बचपना करार दिया। कांग्रेस एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, उसके नेता यदि इस तरह की बचपने की बात करें तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि कांग्रेस ने मान लिया कि वह बहुत बुरी तरह मध्य प्रदेश में हारने वाली है। ये हारने की मानसिकता का परिचायक है। जब आप हारने का बहाना ढूंढने लगो तो इस तरह के कोने ढूंढते हैं। फेस सेविंग के लिए ये बात की जा रही है, कभी ईवीएम पर इल्जाम लगाना, कभी चुनाव आयोग पर इल्जाम लगाना, और अब कहना कि मतगणना के लिए कैबिनेट की बैठक हो रही है। कल हो रही कैबिनेट की बैठक पर सियासी दलों की नजरें भी होंगी। इधर एमपी के बालाघाट में पोस्टल बैलेट विवाद में एक और कार्रवाई हुई है। तहसीलदार के बाद एसडीएम सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि कांग्रेस इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, और बीजेपी का यह कहना है कि चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक ही काम हो रहा है।
बालाघाट डाक मतपत्र वीडियो वायरल होने के मामले में कलेक्टर ने फिर कार्रवाई की। तहसीलदार के बाद एसडीएम पर गाज गिरी है। एसडीएम गोपाल सोनी को सस्पेंड कर दिया गया। एसडीएम की जगह डिप्टी कलेक्टर को निर्वाचन की जिम्मेदारी दी गई। उधर कांग्रेस कलेक्टर की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं दिखी और कलेक्टर को ही हटाने की मांग कर दी। कार्रवाई क्या हुई है? तो कार्रवाई करने की लीपापोती की गई है चुनाव आयोग के द्वारा। मुझे आश्चर्य बात है, जो व्यक्ति मेन जिम्मेदार है, जिले का कलेक्टर जिम्मेदार है, उसके बिना चुनाव की प्रक्रिया पत्ता नहीं हिलता है। आप उससे ही कह रहे हैं कि जांच करो। हमने उनकी शिकायत की कलेक्टर की, कलेक्टर के कहने पर यहाँ पर गलत काम हो रहे हैं, आप ऐसा कार्रवाई करें। उन्होंने जांच ही उनको दे दी। उनने पहले एक पटवारी को, तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया, आज सुना है कि उन्होंने एसडीएम को सस्पेंड कर दिया। अरे खुद सस्पेंड किया है ये, उनको सस्पेंड होना चाहिए। जब ये नियम है कि गणना के एक दिन पहले ही पोस्टल वोट की गणना के लिए दूसरे जाएंगे स्ट्रांग को, तो कैसे खुले गए? डाक से आने का कोई प्रोविजन नहीं है, डाक से कोई मतपत्र नहीं आ रहे हैं। जो कह रहे हैं ना, छुट्टी का दिन था 27 तारीख को, उस दिन गुरुनाथ जयंती छुट्टी थी, उस दिन ये छुट्टी के दिन खोल गए। ये कार्रवाई सिर्फ गौरीशंकर मिशन के सारे पे की गई है, उसे लाभ पहुंचाने के लिए की गई है, क्योंकि वहाँ कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा और गौरीशंकर मिशन के 2 साल संबंध है। उधर बीडी शर्मा ने बालाघाट मामले में कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार काम हुआ है और पूरे मामले में कमीशन अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहा है। देखिए, बालाघाट की घटना को लेकर के जब ये चीजें संज्ञान में आई थी, तब इस पर प्रशासनिक तंत्र ने तत्काल इस पर बातचीत हुई है, लेकिन नॉर्म्स के तहत ही वहाँ के प्रशासन ने जो कार्रवाई की है उसमें किसी प्रकार का कोई लेकुना नहीं था, न किसी प्रकार का कोई अलग प्रकार की मंशा थी। तो इलेक्शन कमीशन के निर्देशों पर ही जो भी लापरवाही हुई होगी, तो उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ने भी संज्ञान में लिया है, और जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए तो इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में आकर के वो उसको अपने नज़र में लेकर के उस पर कार्रवाई कर रहा है। पोस्टल बैलेट विवाद को लेकर बालाघाट कलेक्टर ने पहले भी सफाई दी थी, हालांकि कांग्रेस इस मामले को तूल दे रही है, कलेक्टर पर ही कार्रवाई की मांग कर रही है। ऐसे में चुनाव आयोग पूरे मामले में आगे क्या कदम उठाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। इधर ग्वालियर में दो विभागों में ऐसे ठन गई है कि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ एक्शन लेने शुरू कर दिए। हालात बिजली कनेक्शन काटने से लेकर जेसीबी भेजने तक पहुंच गए, हालांकि बाद में इस मामले को सुलझा लिया गया। प्रशासन जब अपने पर आ जाए तो कार्रवाई का स्तर क्या हो सकता है, इसकी एक वानगी ग्वालियर में देखने को मिली, जहां बिजली विभाग और नगर निगम में ठन गई और ऐसी ठनी कि बिजली विभाग ने कनेक्शन काट कर अपना पावर दिखा दिया। दरअसल बिजली विभाग का नगर निगम पर 65 लाख का बिल बकाया है और भुगतान न होने पर विभाग ने निगम के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का कनेक्शन काट दिया। उधर बिजली विभाग की कार्रवाई से नगर निगम आग बबूला हो गया है और निगम ने बिजली कंपनी के GM नितिन मांगलिक के घर JCB भेज दी, वो भी देर रात। घर के बाहर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया, हालांकि इस बीच सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का कनेक्शन जोड़ दिया गया और पूरे विवाद पर ठंडा पानी डाला गया। लेकिन दो विभागों के बीच हुए इस विवाद पर लोग खूब चर्चाएं कर रहे हैं। मंडला जिले में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नगर पालिका और तहसीलदार ने जिले के मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। यह कार्रवाई उदय चौक से शुरू हुई, नेहरू स्मारक तक ये कार्रवाई चली। इस कार्रवाई के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी गजानन नाफड़े, तहसीलदार डॉक्टर अर्जेंद्र नाथ प्रजापति और पुलिस का अमला मौजूद रहा। कार्रवाई करने से पहले सभी जो बेजा कब्जाधारी थे, जिन्होंने बेजा कब्जा किया था, उन्हें नोटिस दिया गया था, बावजूद इसके लोगों ने अपने कब्जे नहीं हटाए। इसके बाद प्रशासनिक अमले ने एक्शन लिया और यहां से अतिक्रमण हटा दिया गया। उच्च न्यायालय के आदेश थे और जो रोड पे हमेशा जाम लगता है और चिल्लर व्यापारी जो बीचों बीच में रोड पे लगाते हैं, उससे आवागमन में भी तकलीफ होती है, इसलिए अतिक्रमण भी हटाना था और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी बताया गया था कि ये रोड से पूरा अतिक्रमण हटाया जाए करके, रोड खाली किया जाए। इसी के अंतर्गत आज सुबह से ही तहसीलदार साहब, मैं और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम ने ये कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। इंदौर में लोगों के सड़क पर फिसल कर गिरने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो की क्या सच्चाई है, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में इंदौर के साथ ही कई जिलों में बेमौसम बारिश हो रही है।
बारिश ने किसानों के साथ ही आम लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। तस्वीरें देखिए, बाइक सवार फिसलकर अचानक सड़क पर गिर जाता है, आगे एक और बाइक गिरी पड़ी है। एक लड़की आने जाने वाले लोगों को सावधान करती हुई दिख रही है। तस्वीरें इंदौर की हैं। रात में बारिश होने के बाद सड़क पर फिसलकर गिरते लोगों का वीडियो तेजी से वायरल होने लगा है। ऐसे में न्यूज 18 ने मौके वारदात का मुआयना किया। इस वक्त मैं इंदौर के भंवर कुआं चौराहे के पास मौजूद हूं और सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। एक तस्वीर सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है और आप ये देख सकते हैं, ये वीडियो है जिसमें बाइक सवार युवक कीचड़ के वजह से फिसलते हुए गिरते हुए नजर आएंगे और आसपास कुछ लोग खड़े हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि गाड़ी आराम से लेकर आओ, यहाँ पर कीचड़ है, लोग एक के बाद एक गिर रहे हैं। अब ये जो वीडियो है, ये वीडियो इंदौर के नाम से तेजी से वायरल हो रहा था। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां का ये वीडियो बताया जा रहा है। ये वीडियो इंदौर के भंवर कुआं चौराहे के पास आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के ठीक सामने का। आखिर इन हादसों का जिम्मेदार कौन है? हालांकि जब हादसे रात को देर रात तक कई सारे हुए, एक के बाद एक कई जो बाइक चालक हैं वो गिरते हैं, तो उसके बाद इन सड़क की रात में ही धुलाई की जाती है, कीचड़ यहाँ से हटाया जाता है, कुछ घंटों तक के लिए इस रोड को डाइवर्ट भी किया जाता है। लेकिन अब स्थितियां ठीक है, सुबह जो वाहन चालक है वो आसानी से आ जा पा रहे हैं, लेकिन कल देर रात लोग यहाँ पर गिरते रहे और गिरने की वजह कीचड़ रही। दरअसल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के पास ओवरब्रिज का काम चल रहा है, ऐसे में बारिश के बाद यहाँ कीचड़ हो गई है और बाइक सवार फिसल कर गिरने लगे हैं। कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, इस लिहाज से प्रशासन को जरूरी कदम उठाने चाहिए। इधर जबलपुर के एक सिक्योरिटी गार्ड की जिद चर्चा का विषय बनी हुई है। 25 साल से वो कोशिश कर रहे थे और आखिरकार उनकी कोशिश रंग लाई। 55 साल की उम्र में उन्होंने एमएससी पूरी कर ली। हाथ में एमएससी की डिग्री है और चेहरे पर सुकून, ये हैं राजकरण। पेशे से सिक्योरिटी गार्ड हैं, लेकिन पढ़ने का शौक ऐसा कि इन्होंने जिद ही ठान ली। राजकरण को पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति आड़े आ रही थी, लिहाजा उन्होंने पढ़ाई छोड़ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ली। बाद में वे गणित से एमएससी करने का ख्याल मन में पाल बैठे। 1996 में ही रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में उन्होंने आवेदन किया, 1997 में परीक्षा दी जिसमें वे पास नहीं हो पाए। सर, एमएससी में 96 में एमए करने के बाद एक आवेदन बनाया कि मुझे डायरेक्ट एमएससी करना है ग्रेजुएशन के थ्रू, तो वहाँ पे नियम देखा, राम सुमन पांडे कुल सचिव थे, उनने फटाक से देख के बताया, बोले हाँ कोई भी कर सकता, तो मुझे परमिशन मिल गई और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट जब दिया तो एक पेपर मात्र में पास। राजकरण को पहली ही कोशिश में असफलता हाथ लगी, लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं और वो लगातार परीक्षा देते रहे पर कामयाबी नहीं मिली। कोरोना काल के दौरान साल 2020 में उन्होंने एमएससी प्रथम वर्ष की परीक्षा दी और अगले साल 2021 में एमएससी द्वितीय वर्ष की परीक्षा पूरी की। तो मैंने 25 बार पूरे दिए, मगर मेरे को 20-20 में नंबर आ गए, प्रीवियस पास हो गए, जो कि प्रीवियस सबसे कठिन होता है, उसमें पूरे एडिशनल सब्जेक्ट रहते हैं। अमेरिका लंदन के कॉलेजों में जो किताबें चलती वही लग रही यहाँ पे, इसलिए मैं प्रीवियस तो 23 बार में पास हुआ हूँ, पर फाइनल मैंने 1 सेटिंग में ही निकाल ली। और फाइनल के जो सब्जेक्ट थे मेरे पांचों इंजीनियरिंग ब्रांच के चुने हमने, कोई मैकेनिकल का, कोई सिविल का, कोई इलेक्ट्रिकल का, ऐसे 5 सब्जेक्ट चुने हमने और हम 2021 में फाइनल क्लियर हो गए हैं 51%। मन में अगर लगन हो तो हर सपना साकार हो सकता है, ना ही आर्थिक स्थिति आड़े आती है ना ही असफलता। कम से कम राजकरण ने तो इस बात को साबित ही कर दिया। एमपी अब तक जारी है, ब्रेक की बारी है।